चेहरे पर चमक ले आएंगे ये ब्यूटी टिप्स, चेहरे पर ग्लो दिखने लगेगा। चेहरे की नियमित देखभाल करना महत्वपूर्ण है। फेस केयर के लिए आपके पास पूरे दिन समय नहीं होता है, लेकिन रात को सोने से पहले इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही चेहरे पर ग्लो आ सकता है और चेहरा जवां दिख सकता है। नंबर एक, त्वचा को चमकदार बनाने और त्वचा पर झुर्रियों को दूर करने के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल का उपयोग लंबे समय से विभिन्न त्वचा समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। आपको बस इतना करना है कि सोने से पहले कॉटन बॉल की मदद से पूरे चेहरे पर गुलाब जल लगाएं। नंबर दो, आप घर पर उपलब्ध ग्रीन टी और आलू के रस को चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके लिए ग्रीन टी में थोड़ा सा आलू का रस मिलाकर कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं। पैक को पूरी रात अपने चेहरे पर लगा रहने दें। यह त्वचा पर धब्बे को हटाने में मदद कर सकता है। साथ ही टैनिंग दूर होकर चेहरे पर निखार आता है। नंबर तीन, एलोवेरा जेल चेहरे पर सूजन को दूर करने, सनबर्न के कारण त्वचा को हुए नुकसान को दूर करने और त्वचा को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। इससे दाने या झुर्रियां कम हो जाती हैं। इसके लिए आप सोने से पहले अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर सो सकते हैं। इससे त्वचा मुलायम और चमकदार हो जाएगी। नंबर चार, सोने से पहले एक छोटा चम्मच हल्दी और एक चम्मच दूध का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट के बाद अपना चेहरा धो लें। यह दाग धब्बों को दूर कर चेहरे को गोरा और चमकदार बनाने में मदद करता है। नंबर पाँच, कड़ी धूप से चेहरे पर टैनिंग हो जाती है। टैनिंग के कारण चेहरे पर धब्बे दिखने लगते हैं। टैनिंग से चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है। इन्हें दूर करने के लिए फेस पैक बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चम्मच शहद और एक चम्मच दही को मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक रखने के बाद धो लें। चेहरा चमक उठेगा। इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार लगाया जा सकता है। आप चाहे तो इसे हफ्ते में दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर छह, आलू और नींबू के रस को एक साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से टैनिंग की समस्या दूर होती है। ये दोनों जूस चेहरे पर नेचुरल ब्लीच का काम करते हैं, नेचुरल ब्लीच जैसा असर दिखाते हैं। नंबर सात, इस फेस पैक को बनाने के लिए एक बर्तन में एक केले को अच्छी तरह से मैश कर लें। उस केले में 4 से 5 चम्मच दही मिलाएं। अब इन दोनों तत्वों को अच्छी तरह मिला लें। आपका फेस पैक तैयार है। इस फेस पैक को चेहरे पर 20 मिनट तक लगा कर रखें और फिर धो लें। यह फेस पैक आपके चेहरे की ढीली त्वचा को टाइट करने में मदद करेगा। बेहतर परिणाम के लिए इस फेस पैक को हफ्ते में दो बार जरूर लगाएं। नंबर आठ, आलू और शहद का फेस पैक बनाने के लिए आलू को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें। अब इस रस में शहद को मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट की पतली परत चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा के रखें। उसके बाद चेहरे को पानी से वॉश करें। यह पैक सर्दी में स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। नंबर 9, घी की कुछ बूंदें अपने हथेलियों पर ले और नहाने के बाद कपड़े पहनने से पहले अपने बॉडी पर अच्छे से लगा लें। सर्दियों में त्वचा की ड्राइनेस दूर होगी और स्किन मुलायम रहेगी। नंबर 10,
दही और हल्दी से पैरों की टैनिंग दूर करने के लिए होममेड फुट मास्क। इस फुट मास्क से पैरों की अच्छी सफाई तो हो ही जाती है, साथ ही पैर मुलायम होते हैं। इस फुट मास्क को बनाने के लिए एक कटोरी में दही लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। इसे पैरों पर मलते हुए लगाएं और कम से कम 20 मिनट लगाएं। रखने के बाद पैरों को धोकर साफ कर लें। दही स्किन से टैनिंग को दूर कर ब्राइटनिंग में मदद करता है और पैरों की गंदगी छुड़ाने में असर दिखाते हैं। नंबर 11, होममेड स्क्रब। होममेड स्क्रब बनाने के लिए एक कप लें और इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालें। अब इसमें 1 चम्मच गाढ़ी दही मिलाएं और 1 चम्मच चीनी मिलाएं। अब इस मिक्सचर को 5 मिनट के लिए रख दें। अब इसे चेहरे गर्दन पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ना शुरू कर दें। फिर 2 मिनट के बाद चेहरे और गर्दन को ठंडे पानी से धो लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।